हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सुनियास कुक बुक। एक मेरी बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट डिश शेयर करने वाली हूँ। ये डिश की रेसिपी मुझे बहुत से लोगों ने डिमांड की है, सो लेट स्टार्ट। देखिए ये अब पे आपको आवाज आ रही है, ये बहुत क्रिस्पी हुए हैं। अब मैं इसे तोड़ के बताती हूँ। देखिए बहुत सॉफ्ट है अंदर से और बाहर से एकदम क्रिस्पी है। देखो हम लेंगे 3 कप्स ऑफ राइस, आप कोई भी चावल ले सकते हो। लेंगे 1.5 कप चना दाल, 2.5 कप उड़द दाल। 7 घंटों तक भिगोएंगे, घुमा लेंगे और इसका बारीक पेस्ट बनाएंगे। तैयार है, अब इसे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे और तक रखेंगे। पता देखते ये पूरा फर्मेंट हो चुका है। अब इसे एक बार मिक्स करेंगे, अच्छे से फिट लेंगे और स्मूथ बनाएंगे। फिर मैं इसे एक बर्तन में निकाल लेती हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा करके हम इसे करेंगे। अब डालेंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार और आधा कटोरी पानी। इसे ज्यादा फ्लोई मत बनाइए, लिक्विड मत बनाइए, इडली के बैटर जैसा कंसिस्टेंसी रखेंगे। देख सकते हो आप इसकी कंसिस्टेंसी, इससे ज्यादा गाढ़ी नहीं रखनी है और ज्यादा पतला भी नहीं रखना है। अब इसके अप्पे बनाना स्टार्ट करेंगे। पहले इसे ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। दोस्तों ये अप्पे चावल और 2 दालों का मिक्सचर है, इसलिए ये बहुत प्रोटीन से भरा है और आपके बच्चों के टिफिन के लिए तो ये बहुत हेल्दी ऑप्शन है। और बच्चों के लिए क्यों, ये बड़ों के लिए भी हेल्दी ऑप्शन है। आप लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रंच कभी भी खा सकते हो। अब ये डाल के हो गया है, एक एक बूंद ऑयल फिर से ऊपर डालेंगे क्योंकि ये अपना फर्स्ट टाइम है, फिर बाद में इसको ऑयल डालने की जरूरत नहीं रहती। अब इसको लीड लगा के ढक देंगे 5 से 7 मिनट तक। अब इसे एक बार चेक कर लेंगे, अब इसे एक बार फ्लिप करेंगे। ये इजीली टर्न हो रहा है, मतलब ये हो चुका है। अब फिर से दूसरी साइड से इसे 2-3 मिनट तक पकाएंगे और फिर अपने अपने रेडी है। अगर आपका पहले इसमें ना निकले तो घबराइए मत, बस ऑयल डालें। और अब ये दोनों बाजू से हो चुके हैं। आपको भी अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर तो बनता है और सब्सक्राइब करने के लिए ना भूलिएगा। थैंक यू।